दोस्तों स्वागत है आपका ट्रेन एडवेंचर यूट्यूब चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बारे में। क्योंकि योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का मैंने आपको कुछ समय पहले एक व्लॉग दिया था, जहां मैंने आपको दिखाया था कि यहां पर जो काम है वो किस तरीके से चल रहा है। तो फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा जो काम है वो कम्प्लीट हो चुका है, लगभग सभी कुछ कम्प्लीट है। और मैंने आपको इसकी जानकारी भी दी थी कि यहाँ पर जो ट्रायल्स हैं वो ले लिए गए हैं, और जो ट्रेन के ट्रायल्स रहे थे वो बिल्कुल सफल रहे थे, जिसके चलते अब यहाँ से जो का ऑपरेशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुली किया जा सकता है। तो फिलहाल इसी के चलते यहाँ पर चलने वाले ट्रेनों की जो लिस्ट है वो बना ली गई है। अब इसमें कितनी नई ट्रेनें हैं और कितनी जो ट्रेनें हैं वो एक्सटेंड होंगी, वो सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही जो पुराना ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, क्या उसे बंद कर दिया जाएगा या फिर उसे ऑपरेट नहीं किया जाएगा, वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं नई ट्रेन के बारे में। तो एक ही ट्रेन को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो उसमें एक ही ट्रेन रहेगी जो बिल्कुल नई चलेगी, वो पहले से किसी भी ट्रेन को एक्सटेंड करके नहीं चलाया जाएगा। जिसमें जो ट्रेन रहेगी वो फिरोजपुर से चलेगी और आएगी न्यू ऋषिकेश तक, जो कि अभी हम योग नगरी ऋषिकेश तक जानते हैं। तो योग नगरी ऋषिकेश के बीच में फिरोजपुर के बीच में एक नई ट्रेन को चलाया जाएगा, जो कि एक डेली ट्रेन होगी और एक एक्सप्रेस ट्रेन होगी। तो फिलहाल ये इसकी जानकारी निकल कर आती है। साथ ही चूंकि अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के बाद ही हमें जो ट्रेनें हैं वो ऑपरेट में होते हुए दिखेंगी आपको, साथ ही कुछ ट्रेनें एक्सटेंड होते हुए दिखेंगी। तो टोटल मिला के 7 ट्रेनों को एक्सटेंड किया जाएगा, जिसमें पहली ट्रेन की बात करें तो वो है 19609 और 610, जो कि ऑपरेट होती है उदयपुर सिटी और हरिद्वार के बीच में, तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा हरिद्वार से योगनगरी ऋषिकेश के बीच में। इसी तरीके से एक और ट्रेन जो कि है 14605 और 14604, जो कि अभी हाल ही ऑपरेट हो रही है जम्मू तवी से लेकर हरिद्वार के बीच में, तो इस ट्रेन को भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा हरिद्वार से लेकर योगनगरी ऋषिकेश के बीच में। और इसी तरीके से एक और ट्रेन जो कि ऑपरेट हो रही है फिलहाल 19031 और 19032 ट्रेन नंबर के साथ में, और ये ऑपरेट होती है अहमदाबाद से लेकर हरिद्वार के बीच में, तो इस ट्रेन को भी एक्सटेंड किया जाएगा हरिद्वार से लेकर आपका योगनगरी ऋषिकेश तक। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ट्रेन है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको एक और जो ट्रेन देखने मिलेगी वो मिलेगी 12171 और 12172, जो कि एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, अभी हाल ही में ऑपरेट हो रही है लोकमान्य तिलक से लेकर हरिद्वार के बीच में, तो इस ट्रेन को भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक। इसी तरीके से आपको 18477 और 18478 ट्रेन नंबर के साथ पुरी और हरिद्वार के बीच में जो ट्रेन ऑपरेट होती है, ये भी ट्रेन आपको एक्सटेंड होते हुए दिख जाएगी, जो कि अब आने वाले समय में आपको योगनगरी ऋषिकेश तक देखने को मिलेगी। इसी तरीके से 12263 और 12264, जो कि एक दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन है, ऑपरेट होती है पुणे से लेकर निजामुद्दीन तक, तो इस ट्रेन को भी डायरेक्ट एक्सटेंड किया जाएगा निजामुद्दीन से डायरेक्ट योगनगरी ऋषिकेश तक, और इसका जो रूट है वो वाया मेरठ होते हुए रहेगा। और इसी तरीके से आपको एक और ट्रेन का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, जो कि है 14229 और 14230, जो कि ऑपरेट होती है प्रयागघाट से लेकर हरिद्वार के बीच में। फिलहाल एक ये वाई वीकली ट्रेन है, लेकिन आपको ये डेली देखने को मिलेगी जब ये एक्सटेंड हो जाएगी। तो फिलहाल ओवरऑल देखा जाए तो बाकी जो ट्रेन मैंने आपको बताई उनकी जो फ्रीक्वेंसी है जो अभी है वही बाद में रहने वाली है, माइनर से चेंजेस हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, और बाकी जो प्रयागघाट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डेली कर दी जाएगी। इसी तरीके से एक ट्रेन को चलाया जाएगा जो बिल्कुल एकदम न्यू रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको टोटल मिला के 8 ट्रेनें देखने को मिलेंगी। तो ये देखा जाए तो मतलब का मकसद यही है, जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन का लोड है वो बहुत ज्यादा कम ये कर देंगे, जिसकी वजह से काफी अच्छे से जो रेल का ट्रैफिक है वो मैनेजमेंट हो पाएगा। बाकी अब बात आती है कि जो पुराना ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है वो बंद होगा या नहीं होगा, तो इसमें किसी भी तरीके से ये नहीं बताया गया है जो हेमकुंड एक्सप्रेस ट्रेन है वो योगनगरी पर शिफ्ट कर दी जाएगी या फिर हरिद्वार से ही ऑपरेट होगी। तो सिंपल सी बात है, जो ट्रेनें ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ऑपरेट हो रही हैं वो वहां से ही होती रहेंगी, लेकिन योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा बड़ा बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस वहाँ पर बनाया गया है, जिसके चलते हरिद्वार का लोड काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी कनेक्टिविटी है वो आपको रहेगी, क्योंकि ट्रेन्स वगैरह हो सकता है आने वाले समय में इंक्रीज की जाए। बाकी आपको क्या है लगता, योगनगरी ऋषिकेश से कोई आपको दिल्ली तक के लिए एक प्रीमियम ट्रेन देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि दुरंतो तो देखने मिलने वाली है कि आपको एक कॉपरेट ट्रेन देखने को मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल योगनगरी के रिगार्डिंग यही थी अभी कोई जानकारी। बाकी आपको वीडियो कैसे लगे वीडियो का जो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।